टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता ने दी गाली। गौरव भाटिया ने कांग्रेस प्रवक्ता को दी गाली। बदले में कांग्रेस प्रवक्ता ने गौरव के पिता को घसीटा। टीवी डिबेट में एक बार फिर नेताओं ने अपनी सीमा लांघ दी। इस बार आज तक जैसे चैनल की डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस प्रवक्ता को गाली दी, जिसके बाद दोनों में जमकर बहस हुई। इतना ही नहीं, टीवी डिबेट के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने उन्हीं गालियों को वापस लौटा दिया। साथ ही गौरव भाटिया के पिता तक पहुंच गए। समसामयिक विषयों को लेकर होने वाली टीवी डिबेट पर पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। डिबेट के दौरान एक दूसरे पर आरोप लगाने के आवेश में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आलोक शर्मा के लिए अभद्र शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिसके बाद कुछ ही देर में माहौल गर्म हो गया। टीवी डिबेट की एंकर अंजना ओम कश्यप ने दोनों की आवाज धीमी कराकर बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों एक दूसरे को जमकर गालियां दे चुके थे। दरअसल हुआ यूं कि आज तक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में हो रही बहस के दौरान महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा बीजेपी पर कई तरह के सवाल उठा रहे थे। इसी बीच गौरव भाटिया ने किसी तस्वीर का जिक्र कर दिया और वो तस्वीर गलत थी और हमेशा झूठ बोलने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि गौरव भाटिया ने उन्हें अपशब्द कहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता की बात पर भड़कते हुए कांग्रेस नेता आलोक शर्मा भी अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे। आलोक शर्मा ने गौरव भाटिया और उन्हें पिता पर निजी हमला करते हुए उन्हीं शब्दों को दोहरा दिया, जिस पर कार्यक्रम की एंकर अंजना ओम कश्यप ने आपत्ति जताते हुए दोनों की आवाज धीमी करा दी। साथ ही कहा कि यहां पर आप लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। गौरव भाटिया और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच हुई तीखी बहस और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुछ लोग गौरव भाटिया का समर्थन करते दिख रहे हैं, वहीं कुछ लोग कांग्रेस प्रवक्ता का समर्थन कर रहे हैं। गौरव भाटिया ने टीवी डिबेट का एक वीडियो शेयर करते हुए सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि अपशब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, कांग्रेस नेता को गलत सुनाई दे दिया है। उन्होंने लिखा कि मैंने कुछ और कहा, कांग्रेस नेता को कुछ और सुनाई दिया, फिर वह मुझे और मेरे स्वर्गीय पिताजी को गाली देने लगे। यह है कांग्रेस के गाली देने वाले प्रवक्ता। उन्होंने दूसरे ट्वीट में यह भी लिखा कि संस्कारों का फर्क है, मान लेना यह राजनीतिक पार्टी का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता, जिसका प्रवक्ता किसी के स्वर्गीय पिता को गाली दे और समर्थक खुशियां मनाए, यह भी मान लेना। उस पार्टी का उत्थान होने से कोई नहीं रोक सकता जिसका प्रवक्ता गाली खाकर वापस गाली ना दे। बताते हैं कि गौरव भाटिया के पिता वीरेंद्र भाटिया थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए लंबे समय तक काम किया। उन्हें समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा का सांसद भी बनाया था। सपा में रहकर वीरेंद्र भाटिया पार्टी के कई मुकदमों को भी लड़ चुके हैं। वहीं गौरव भी पिता वीरेंद्र भाटिया की तरह वकील और नेता हैं। कुछ साल पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। इससे पहले भी गौरव भाटिया ने कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक के सामने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद रागिनी नायक ने डिबेट छोड़ दी थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।